हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ के लिए कुछ बेस्ट 40 क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन 100 से 150 करवा देता हूँ ना, उसमें मेरे को भी पर्सनली सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना हर मंथ के अंदर, वो 40 से 50 क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाली बात है, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर उठाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स भी थी कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी खोल रखा है और एक फेसबुक पर पेज भी खोल रखा है। तो उसके अंदर मैं जो भी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है या फिर उनके लिंक जो हैं टेलीग्राम पे और फेसबुक पे डालता रहता हूँ, और साथ ही में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बच्चों से भी शेयर करें। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप इजीली इनको याद कर पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच रीनाउड पर्सनैलिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया, यानी कि जो भी जनजाति है इंडिया के अंदर उनके लिए एक नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये कौन चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम आप देख सकते हैं 5 टाइम जो है बॉक्सिंग चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं, तो वो जो हैं इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं, और ये जो है बॉक्सिंग गेम जो है खेलती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2019 के लिए किसने स्टार्ट जारी की है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। तो उसके अंदर इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको बेस्ट रैंक मिला है? हालांकि रैंक काफ़ी पीछे है अगर हम वर्ल्ड की बात करें, लेकिन अगर इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करें जो उस लिस्ट के अंदर थी, तो वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर के अंदर है। हालांकि आप रैंक देख ही सकते हैं कि कितने पीछे रैंक था, लेकिन इंडिया की पहली ये इसके अंदर रैंक में आया है तो क्वेश्चन इसका बन गया है। ठीक है, अगर मैं पहली पोजीशन की बात करूं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को मिला है, जो कि लगातार तीसरे साल उनको फर्स्ट प्राइज मतलब कि फर्स्ट रैंक मिला है, और कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है इनको सेकेंड और थर्ड रैंक इसके अंदर लिस्ट के अंदर मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला जो था कॉर्न फेस्टिवल यानी कि मकई का त्यौहार मनाया गया था, तो उसका वेन्यू क्या था? तो उसका वेन्यू था भाई छिंदवाड़ा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि छिंदवाड़ा में किस स्टेट की बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा कौन से स्टेट में है? तो भाई ये है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये छिंदवाड़ा चूज़ भी इसीलिए किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के अंदर छिंदवाड़ा ही ऐसा जगह है जहाँ से कॉर्न की यानी कि मक्के की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये 29 और 30 सितंबर को मनाया गया इंडिया का पहला कॉर्न फेस्टिवल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद है भाई डॉक्टर इवान अवतार अडाहा जो हैं इनको ऑफिशियली UNHSR ठीक है नैनसन रेफ्यूजी यानी कि इसके अंदर जो लोग रेफ्यूजीज की हेल्प करते हैं तो उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। तो 2018 के लिए दिया गया है डॉक्टर इवान अतर अडाहा को। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं साउथ सूडान से। ठीक है, और ये रिफ्यूजी प्राइज़ हैं जो कि 1954 के अंदर स्टार्ट किया था, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, कहने का मतलब उनकी एक एजेंसी है। उसके बाद है कि जो साउथ सूडान की कैपिटल की बात करूँ तो ये है जूबा है, और ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने रिफ्यूजीज़ की हेल्प की थी जो कि सूडान के नेबरिंग स्टेट में रहते थे या फिर नेपाल सूडान के अंदर जो थे आए थे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। उसके बाद है इब्राहिम सोली जो हैं अभी नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो ये कौन से देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो इब्राहिम सोली जो चुने गए हैं नए इराक के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। दिनार यहाँ की करेंसी है। ईरान की तेहरान है कैपिटल की बात करूँ। इसराइल जेरूसलम। तुर्की की अंकारा। आपको ये सब चीज़ें के बारे में भी हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी अभी कौन सा हाई कोर्ट है जिसने अभी
रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया है किनको, ट्रांसजेंडर को, किस चीज़ के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यानी कि वहाँ पर उनको एडमिशन के अंदर जो था रिजर्वेशन पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब ट्रांसजेंडर्स को, यानी कि जिनको हम हिंदी में किन्नर बोल देते हैं, उनको अब रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा। तो ये कौन सी हाई कोर्ट ने जो है अभी फैसला लिया है, तो ये फैसला लेने वाली हाई कोर्ट जो है ये है उत्तराखंड की हाई कोर्ट। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट कब बना था, ये बना था 2000 के अंदर, यानी कि 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2000 के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट किया है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर अब तक टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो ये है 24, और एक नया हाई कोर्ट खुलने वाला है भाई, अब 25 हो जाएंगे। कहाँ खुलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही कोर्ट शेयर करते थे, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला मंजूरी दे दी गई है, आंध्र प्रदेश के अंदर नया हाई कोर्ट अब खुलने वाला है। तो हॉकी इंडिया के अब नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, यानी कि उसके चेयरपर्सन कौन होंगे हॉकी इंडिया के, तो ये चुने गए हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये राजेंद्र सिंह को रिप्लेस करेंगे। और अगर मैं स्पॉन्सर की बात करूँ जो हॉकी की टीम है भारत की, तो उसकी जो स्पॉन्सर करता है ये करती है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। जैसे अगर मैं इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करूं, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर तो भाई ओप्पो करता है, आप देख सकते हैं टी शर्ट पे उनके ओप्पो लिखा होता है। तो अगर मैं हॉकी की बात करूं, तो हॉकी को स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भारतीय मूल की पर्सनैलिटी हैं जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चुना गया है, तो वो कौन सी भारतीय हैं, तो ये हैं गीता गोपीनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हाल ही में जो भी ये हैं, एट प्रेजेंट ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, और इनको ये जो है अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ गीता गोपीनाथ सेकंड इंडियन बनती हैं ऐसा, इस पोजीशन पर आने वाली, इससे पहले रघुराम राजन जो हैं पहले भी इस पोजीशन पर रह चुके हैं, इसका मतलब ये दूसरी भारतीय होंगी। और अगर मैं IMF के चीफ की बात करूं, तो ये हैं क्रिस्टन लगार्डे। और अगर मैं IMF के हेडक्वार्टर की बात करूं, तो ये है भाई साहब Washington DC के अंदर, वर्ल्ड बैंक का भी और IMF का भी। अभी हाल ही में 3rd यूथ ओलंपिक गेम्स हुए हैं, तो इसके अंदर फ्लैग बीरर कौन था, तो फ्लैग बीरर कौन था इसके अंदर, फ्लैग बीरर थी मनु भाकर। फ्लैग बीरर का मतलब है कि एक सेरेमनी होती है, यानी कि अब ये गेम स्टार्ट हुई है, लेकिन स्टार्ट होने से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो उसके अंदर हर एक देश का जो ग्रुप आया होता है, जो भी प्लेयर्स हैं, तो उनका ग्रुप जो है उस सेरेमनी के अंदर वॉक करता है, और उसमें से एक आदमी उस झुंड को जो है लीड करता है, उस पूरे ग्रुप को, और उस आदमी के हाथ में हमारा इंडियन फ्लैग होता है। तो जो 3rd यूथ ओलंपिक्स होंगे उसके अंदर ये फ्लैग कैरी करने वाला कौन होगा, यानी कि फ्लैग बीरर कौन होगा, तो ये होगी मनु भाकर। हो कहाँ पे रहे हैं, ये हो रहे हैं अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरिस के अंदर। ठीक है, और स्पोर्ट्स क्या है इनका, स्पोर्ट है इनका शूटिंग, यानी कि शूटिंग करती हैं ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी नोबेल प्राइज के लिए, फ्रांसिस एच एर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ एंड सर ग्रेगरी पी विंटर, इनको नोबेल प्राइज मिला है भाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फील्ड के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर। जो नाम इसमें पहला है फ्रांसिस एच एर्नोल्ड का, इन्होंने इंजाइम्स के ऊपर काम किया है, और पी स्मिथ ने और पी विंटर ने जो है पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज के ऊपर काम किया है, तो इन तीनों को कंबाइन जो है केमिस्ट्री के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नोबेल प्राइज मिला है 2018 वर्ष के लिए। पहले क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि यूथ ओलंपिक्स के अंदर फ्लैग बीरर कौन था, इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं जो पैरा एशियन गेम होंगे उसके अंदर फ्लैग बीरर कौन होगा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ भाई थंगवेलू मरियप्पन की। थंगवेलू मरियप्पन से आपको याद आएगा कि पैरा ओलंपिक जो रियो में हुए थे 2016 के अंदर, वहाँ पे इन्होंने हाई जंप के अंदर गोल्ड जीता था, वही जो हैं इस बार के जो एशियन पैरा गेम्स होंगे जो कि इंडोनेशिया के अंदर हो रहे हैं, तो उसके अंदर ये फ्लैग बीरर होंगे। दोनों में फ़र्क आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने ये पूछा था कि 3rd यूथ ओलंपिक कहाँ होंगे, उसमें मनु भाकर थी फ्लैग बीरर, लेकिन ये एशियन पैरा गेम है, पैरा गेम वही है जो लोग दिव्यांग होते हैं इसके बावजूद भी वो लोग एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे मान ले किसी का हाथ कटा हुआ है या पैर कटा हुआ है या किसी भी तरह से वो डिसेबल हैं, इसके बावजूद वो स्पोर्ट्स खेलते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है अपने मेडल्स लेके आते हैं। अभी इंडिया के अंदर एक इंजनलेस ट्रेन बन रही है, तो उस ट्रेन का नाम क्या है,
ट्रेन का नाम काफी इजी है, ट्रेन को ट्रेन ही बोलेंगे, 2018 में बनी है तो उसको ट्रेन 18 का नाम दे दिया गया है। अब ये ट्रायल बेसिस पे चलेगी, ट्रायल बेसिस कंप्लीट होने के बाद ये है प्रॉपर यूज़ में लाई जाएगी। एक बुक है भाई जिसका नाम है नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइफ्स, तो इनके ऑथर कौन है? ये चीज़ जानने के लिए आप लोग इजीली किसी भी बुक का कवर देख सकते हैं, कवर के ऊपर आपको उनका नाम देखने को मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, अभी एक US बेस्ड दलित राइटर हैं जिनको कि शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज मिला है। शक्ति भट्ट फर्स्ट प्राइज का मतलब है कि जो भी डेब्यू बुक लिखते हैं, पहली बुक लिखते हैं अपनी, उनके लिए उनको प्राइज मिलता है। तो ये अब की बार मिला है सुजाता गिडला को। इनकी बुक क्या थी? बुक का नाम था एंट्स अमंग एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों के बीच में चींटी, एन अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस बुक के लिए सुजाता गिटला को US बेस्ड दलित राइटर का अवार्ड मिला है। अब की बार कौन सी ऐसी महिला हैं यानी कि भौतिकवादी यानी कि फिजिक्स के अंदर जिनको नोबल प्राइज मिला है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी 3 बंदों को मिला है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि उन 3 में से वुमेन कौन है? तो ये वुमेन है डोना स्ट्रिकलैंड। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। 3 नाम कौन से थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे आर्थर एशकिन, फ्रेंच इंजीनियर जेरन मोरो और कनाडा की प्रोफेसर डोना स्ट्रिकलैंड। ये दोनों मेल हैं और डोना स्ट्रिकलैंड जो थी फीमेल है, तो वुमेन के बारे में पूछा ही हुआ था। और लेज़र फिजिक्स के अंदर इन्होंने काम किया है इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और लेज़र की फुल फॉर्म भाई की बार UPSC के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर होगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से भारतीय अमेरिकन मूल के यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी पर्सनैलिटी है जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, किसके लिए? कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जिसको कि हिंदी में मानव तस्करी बोलते हैं, उनको कम करने के लिए या उस फील्ड के अंदर काम करने के लिए। क्योंकि आपको पता है मानव तस्करी करके क्या किया जाता है, इंसानों को खरीदा बेचा जाता है, खरीदा बेचे जाने के लिए उनसे जो है भीख मंगवाते हैं या फिर प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, तो मतलब एक तरह से मास्टर स्लेव की तरह उनसे काम लेता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो है मीनल पटेल डेविस ने कार्य किया था, तो इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और डेविस जो है यानी कि मीनल जो है 2015 से ही इस मुहिम में जुड़ी हुई है। वर्ष 2018 के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड किसको मिला है, यानी कि फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड? तो जिस इमेज के लिए मिला है उसका नाम तो है भाई गोल्डन कपल, और ये डच फोटोग्राफर है जिनका नाम है मार्सेल वैन उस्टेन। फोटो आप लोग देख सकते हैं कि ये गोल्डन जो है कपल है। उसके बाद है इंडिया की फर्स्ट ट्रांस क्वीन किसको चुना गया है, इंडिया की जो ये बिलोंग करती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, आप इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर ए वीना सेंड्रे, तो पहली ट्रांस क्वीन ये बनी है। ट्रांसक्वीन का मतलब है ट्रांसजेंडर। उसके बाद है 2022 के लिए यूथ ओलंपिक, आपको पता है 2018 के तो अर्जेंटीना कर रहा है, अभी मैंने डिस्कस किया था, तो 2022 के लिए जो है इनको कौन होस्ट करने वाला है? तो ये होस्ट करेगा सेनेगल जो कि डेकर के अंदर है। 2018 के लिए तो अर्जेंटीना में हो ही रहा है, लेकिन 22 के लिए ये होगा सेनेगल के अंदर। उसके बाद है कौन से म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार हैं जिनको हाल ही में स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है म्यूज़िक अकेडमी की तरफ से? तो ये दिया गया है विकू विनयक्रम को, ठीक है, इनका पूरा नाम है TH विनयक्रम, ये यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो ये है इनकी इमेज। उसके बाद है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मैरिटाइम यानी कि समुद्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है इब समर 2018, तो ये कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुई है? तो पहले तो आप इस इब समर को डिकोड कर सकते हैं, आई से होगा इंडिया, बी से होगा ब्राज़ील और एस ए से होगा साउथ अफ्रीका, और एम ए आर से तो मैरिटाइम एक्सरसाइज बनता ही है, तो ये स्टार्ट हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद है वह कौन सा बेस्ट स्टेट चुना गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड के अंदर जो कि अभी 2018 के अंदर हुए हैं? तो हरियाणा को चुना गया है अभी बेस्ट रैंक के लिए, यानी कि हरियाणा को तो बेस्ट स्टेट के लिए चुना गया है। अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यह है महाराष्ट्र का 17 डिस्ट्रिक्ट, सतारा भी बोलते हैं इसको,
अगर मैं बात करूं कि स्वच्छ जो सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है इसके अंदर कौन से स्टेट्स के लोगों ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश के सिटीजन्स ने। तो आंसर क्या होगा इसका, हरियाणा होगा। अगर मैं स्टेट की बात करूँगा, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा तो सतारा होगा महाराष्ट्र का, और मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करूँगा तो ये आंसर होगा यूपी उत्तर प्रदेश। अब की बार के लिए नोबेल प्राइज 2018 के लिए मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में किसको मिला है, तो ये मिला है जेम्स पी एलिसन और ताजुकू होंजो को मिला है। इन्होंने जो था एक कैंसर थेरेपी के जो है डिस्कवरी की थी जो कि एक इम्यून रेगुलेशन के ऊपर बेस है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ नोबेल प्राइज के कौन देता है, बेस्टोव का मतलब है देना, तो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, यानी कि स्वीडन देश है जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, तो वो जो है ये प्राइज देती है। अब किस किस फील्ड के अंदर देती है, तो ये इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर एंड मेडिसिन, लेकिन इस बार जो है लिटरेचर के लिए अवार्ड नहीं दिया जा रहा। और जो पीस प्राइज है ये नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो है ये देती है, ठीक है, ये प्राइज भी आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ कि वुमेन किसको मिला है, तो डोना स्ट्रिकलैंड है, रिपीट हो गया ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है भाई, तो नोबेल पीस प्राइज मिला है नाडिया मुराद को। एक तो नाडिया मुराद को मिला है, एक मिला है डेनिस मुकेव जो कि कोंगो कंट्री से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को मिला है। ट्रिक से याद भी रखते हैं कि डेनिस ने मुराद मांगी थी नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो डेनिस से डेनिस मुकेव और मुराद से नाडिया मुराद, इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला है। किसके लिए, सेक्सुअल वॉयलेंस जो होती है वॉर या फिर आर्म कंफ्लिक्ट एरिया के अंदर, या कि जहाँ पे जो आप कह सकते हैं एक तरह से वॉर चल रहा है, तो उस एरिया के अंदर जो है वहाँ के लोग जो हैं या फिर वहाँ के जो उन्होंने अटैक किया होता है एक तरह से आतंकवादी बोल लीजिए, टेररिस्ट बोल लीजिए, जो वो लोग वहाँ पर रह रही महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, तो उसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उनको केमिस्ट्री के अंदर मिला है। उसके बाद है, ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी स्कीम स्टार्ट की है टू कवर पुअर पीपल हु लेफ्ट आउट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जिस समय पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था तो उस समय पर जो लोग रह गए थे तो उसके लिए स्कीम लाई है, तो ये कौन सा स्टेट लेकर आया है, तो ये लेकर आया है भाई उड़ीसा। आप मैप में देख सकते हैं उड़ीसा की बात करूँ मैं कहाँ पड़ता है ये, और इसके अंदर जो है बेनिफिशियरी होंगे वो 25 लाख लोग होंगे जिनको कि पर मंथ 1 रुपये किलो के हिसाब से 5 kg राइस पर पर्सन दिए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर फैमिली में 3 लोग रहते हैं तो 15 kg राइस दिए जाएंगे पर, मतलब कि 5 kg के हिसाब से 15 रुपीज़ के अंदर। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 30 पड़ते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी स्वच्छता ही सेवा अवार्ड जीता है, तो ये जीतने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन्होंने स्वच्छता ही सेवा अवार्ड जो है जीता है। किसके कंट्रीब्यूशन के लिए, स्वच्छता पखवाड़ा के कंट्रीब्यूशन के लिए। रेलवे मिनिस्टर आपको पता ही है पीयूष गोयल जी हैं। अगर क्लीनिंगनेस की बात चल रही है, स्वच्छता की बात चल रही है, क्योंकि अक्टूबर मंथ है, गांधी जयंती मंथ है, तो स्वच्छ कैंपस रैंकिंग भी जो थी अभी स्टार्ट की थी, यानी कि उनको डिक्लेयर किया था। तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ कैंपस कौन सा पाया गया है, ये पाया गया है रोहतक का महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसको कि MDU रोहतक बोला जाता है। अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूं, ये पंजाब की GND यूनिवर्सिटी, यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है, उसको ये अवार्ड मिला है। और ये दिया किसने है, यूनियन ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। अभी हाल ही में इंडोनेशिया की एक प्रोविंस है जिसका नाम है सुलावेसी, उसके अंदर अर्थक्वेक आ गया था, तो इंडिया ने उनकी जो थी असिस्टेंस की थी, यानी कि उनकी हेल्प की थी, और हेल्प के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, यानी कि अभियान चलाया था, सहायता अभियान। तो उस अभियान का नाम क्या है, तो भाई उस अभियान का नाम है ऑपरेशन मैत्री। तो इस ऑपरेशन के अंदर 2 तो एयरक्राफ्ट भेजे थे, इनके नाम आप पढ़ सकते हैं रेड कलर के अंदर, C-130J एंड C-17, और 3 जो थे नेवल शिप्स भेजी थी, जिनमें से एक का नाम था INS तीर, INS सुजाता और INS शरदुल, ठीक है भाई। और अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, सुलावेशी प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। एक एक्सरसाइज जिसका नाम है सहयोग होप टेक 2018, तो ये कौन सी कंट्री के बीच हुआ था, ये हुआ था
इंडो यानी कि इंडिया और वियतनाम के बीच में, कहाँ हुआ था? बे ऑफ बंगाल में। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ वियतनाम की, ये है हैनोई है, करेंसी वहाँ की डोंग है। उसके बाद है, अभी कुछ ही समय पहले वैज्ञानिकों की टीम ने जो था वीट के जीनोम को खोज लिया था, यानी कि वीट के जीनोम को डिकोड किया था। तो वीट जो है एक तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड की मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप जो है वो वीट है। तो उसका जो जीन है उसको डिकोड कर लिया गया है। तो उसके अंदर देखा गया है कि जो वीट का वजन होता है, जो उसका घनत्व होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है, तो वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से होती है? तो ये होती है भाई जिंक की वजह से। अगर मैं जिंक का केमिकल सिंबल नेम की बात करूँ तो ZN से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर उसका 30 है और एटॉमिक्स मास है वो है 65। अब फाइगिरी समिट का भी रिजल्ट आ ही गया भाई, उनका भी इंडेक्स उन्होंने जारी कर दिया गया है। तो क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस यानी कि स्वच्छतम भारतीय स्वच्छतम धार्मिक स्थान किसको घोषित किया गया है? तो स्वच्छतम धार्मिक स्थान घोषित किया गया है माता वैष्णो देवी श्राइन जम्मू एंड कश्मीर को। इसको जो है कंट्री का क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस जो है घोषित किया गया है। उसके बाद है एनजीओ है जिसका नाम है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है। तो वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो कि केरला के अंदर जो बाढ़ आई थी तो ज़्यादा तबाही हुई थी, तो उसके घरों की मरम्मत करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च करेंगी, और उसके अंदर जो है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस काम करेंगी, तो उसका नाम है जैकलीन फर्नांडिस। आप इमेज में देख सकते हैं। एक बुक है जिसका नाम है हाफ द नाइट इज गोन, तो उसके ऑथर कौन है, जिनको कि हिंदू प्राइज 2018 के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। तो आप बुक पे कवर पेज पे इसलिए नाम पढ़ सकते हैं, उनका नाम है अमिताभ बख्ची। मैन बुकर प्राइज किसको मिला भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। आंसर है एना बर्न्स। किस बुक के लिए? मिल्कमैन। आप बुक का नाम भी इजीली देख सकते हैं, ऑथर का नाम भी, और ये जो है ऑथर ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश ने वर्ल्ड के पहले यानी कि दुनिया का पहला फर्स्ट सोवरेन ब्लू बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड किस वर्क के लिए? ये फिशरीज प्रोडक्शन के लिए। पैसा देश करने वाला जो है ये है सेशल्स, ये देश पहला बनाया जिसने ब्लू बॉन्ड जो है जारी किया है। किसके लिए? मैरिटाइम एंड फिशरीज प्रोजेक्ट के लिए। कैपिटल क्या है इसकी? सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया और प्रेसिडेंट है के डैनी फ्यूरे। अभी अभी ब्राज़ील में भी इलेक्शन हुए थे भाई, तो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। तो नए प्रेसिडेंट बने यानी कि जैर बोलसोनारो, किसको रिप्लेस करेंगे? माइकल टेमर को ये रिप्लेस कर कर नए प्रेसिडेंट इसके बनेंगे। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। अभी अभी वर्ल्ड विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है, किसके बर्थ वीक के उपलक्ष्य में? वही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और उनको एक टाइटल मिला हुआ है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका जो है बर्थडे आता है 31 अक्टूबर को, और इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी दिन दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू जो था 182 मीटर का, वो गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के किनारे पर इस्टेब्लिशमेंट कर दिया है और इसका इनोग्रेशन हो गया है। तो किसका सबसे बड़ा स्टैचू हो गया वर्ल्ड में? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू आप लोग देख सकते हैं। 2016 के लिए टैगोर अवार्ड फॉर कल्चर हार्मनी किसको मिला है? ये अवार्ड जो है 3 साल के लिए अभी घोषित किए गए हैं। 14 के लिए मिला है राजकुमार सिंह अजीत सिंह को, ये एक मणिपुरी डांसर हैं। 15 के लिए मिला है चनौत को, जो कि बंगाली कल्चर के लिए इनको मिला है। और क्वेश्चन में पूछा गया है 16 के लिए किसको मिला है, यानी कि 2016 के लिए, तो ये मिला है राम वंजी सुतार को, जो कि एक स्कल्पचर है यानी कि मूर्तिकार हैं। और जो मैं मूर्ति की बात कर रहा था, मैं आपको मूर्ति भी दिखा देता हूँ, ये इसके स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार भी राम वंजी सुतार ही हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3ों साल के मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूनाइटेड स्टेट्स बना था 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। और इसके अंदर एक
UNG है, इनके जनरल असेंबली है, तो उसके जो है हेड होते हैं उसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस। एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और पहली महिला प्रेसिडेंट है, तो वो कौन से नेशन की बनी है? जिनका नाम है सेले वर्क जेडे। तो ये बनी है, तो कंट्री का नाम है भाई इथोपिया, कैपिटल है वहाँ की एडिस अबाबा। देश न्यूज़ में आया है तो उसकी कैपिटल का भी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अभी अभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स जो था जारी किया है, तो इंडिया का रैंक क्या है उसमें 2018 के लिए? तो इंडिया का रैंक है भाई, इंडिया का रैंक रहा है उसके अंदर 77। ठीक है, इसके अंदर जो था लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के ऊपर देख के इस बेसिस पे रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये थे आज के हमारे सेशन के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। ये 43 इसलिए हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो थे रिपीट हो गए थे, तो ये आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके सजेशन है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपने सजेशन उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये था अक्टूबर मंथ का, जल्दी मैं नवंबर मंथ की भी रिलीज़ कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।